नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको MP बोर्ड क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन पेपर बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला है क्वेश्चन हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें अभ्यास करने का अर्थ होता है। इसमें चार पॉइंट दिए गए, चार ऑप्शन। किसी काम को जल्दी करना, कार्य कारण संबंध सीख जाना, काम में आनंद आने लगना, बहस करना सीख जाना। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो आंसर सही है वो हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। कवि ने जगाने के अनुरोध सूर पवन और पक्षी से किया है, क्योंकि वे सुंदर हैं, क्रियाशील हैं, प्रगतिशील हैं, अनुभवी हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इन सब का आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारे क्वेश्चन के आंसर लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड। झारखंड के कुर्मी समुदाय के लोगों की बोली को क्या कहते हैं? संथाली, खड़िया, कुरमाली, उराव। फिर चौथा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को पढ़ा जा सकता है सिर्फ टेलीविजन पर, कंप्यूटर पर, कागज पर और रेडियो पर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा पांचवा। दोहा छंद में किन किन चरणों की तुक मिलना अनिवार्य है? पहले और तीसरे, पहले और चौथे, दूसरे और तीसरे, दूसरे और चौथे। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। कोष्टकों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य के रिक्त स्थानों में लिखिए। तो पहला दिया गया है कोयल ऋतु में मौन साथ साथ लेते हैं, बसंत या शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आदिवासी लोग के प्रेमी होते हैं, प्रकृति या परिवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंखों के चौंधियाने का कारण है, चंद्रमा, चांदनी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, चपला या सलिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जगदीश शब्द संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि या स्वर संधि। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन प्रश्न नंबर थ्री। निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य असत्य वाक्य छांटकर लिखिए। पहला दिया गया है मनुष्य भेदभाव करता है, दूसरा है किरण बेदी ने तिहाड़ जेल के कैदियों का जीवन बदल दिया था। फिर नेक्स्ट है हमारा वीरांगना लोहे जैसी तपती है। फिर अगर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समय बीत जाने पर पछतावा नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। तो पहला दिया गया है तालाब का पानी कौन पी रहा है, दूसरा है अनासक्त योग किसने लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा अंधेरा किसका प्रतीक है, चौथा है गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय है, फिर पांचवा है हमारा अस्थियां किसकी बनी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया पांचवा, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। स्तंभ बा पहला दिया गया, स्तंभ आ में दिया गया संपादक कल्पना चावला, क्षय रोग अलंकार पीटी उषा। फिर स्तंभ में दिया गया है अंतरिक्ष, टीवी, महोदय, धावक, रूपक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मेरा अखबार वाला पर अनुच्छेद लिखिए अथवा परहित सरस धर्म नहीं भाई का भाव पल्लवन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला दिया गया है सिर पीट लेना, दूसरा है आस्तीन का सांप। फिर अथवा में दिया गया है निम्नलिखित लोकोक्तियों का केवल अर्थ लिखिए। पहला दिया गया है चोर चोर मौसेरे भाई, दूसरा है जहाँ जहाँ चाह वहाँ रहा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर एट, निंदक को समीप क्यों रखना चाहिए, अथवा में दिया गया है वसंत ऋतु में धरती किस रूप में सजी सबरी प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर नाइन, सयानी होना का क्या आशय है, अथवा में दिया गया है पुराने साधक हिमालय पर क्यों जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर टेन है,
आत्मनिर्भर बनना क्यों आवश्यक है अथवा आदिम युग को पाषाण युग क्यों कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायरी लेखन किसे कहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें, हमारे जो मैंने पिछले वीडियो डाल रखी है उनमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अलग से मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अथवा में दिया गया है, प्रश्न नंबर 11 के अथवा में दिया गया है, आय का कुछ अंश नियमित बचाना क्यों आवश्यक है। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, जो आपको सरल लगे वो आप आंसर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, संधि किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए। अथवा में दिया गया है, उपसर्ग किसे कहते हैं, किन्हीं दो को उदाहरण सहित लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझाए समझाओ अथवा अलंकार से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। दोनों में से आपको कोई एक करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कृष्णा के किस रूप सौंदर्य पर गोपी मुग्ध हुई, अथवा खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो की आशय को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट दिया गया है हमारा, निम्नांकित शब्दों के समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पहला दिया गया है पीताम्बर, दूसरा दिया गया है दया धर्म, अथवा में दिया गया है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला दिया गया है ये पत्र है किसने लिखा, दूसरा दिया गया है रोहित ने पढ़ता है, अथवा में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, ऐसा सोना चंद्रमा मनुष्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, अर्थ विराम चिन्ह का उदाहरण दीजिए। अथवा में दिया गया है, लोकोक्ति और मुहावरे में कोई तीन अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए अथवा स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। अथवा में दिया गया है, मैं अपना नन्ना गुलाब कहाँ रोप दूँ, से कभी का क्या आशय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, अब कि मैंने जी भव भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। अथवा में दिया गया है, बीती बिभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा उठ उपसा नगरी, तारा घट उपसा नगरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जादुई कोक से कवि का क्या आशय है, अथवा कवि ने गुरु की महिमा असीम क्यों बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, धूप बत्ती बुझी जली नामक निबंध का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, अथवा जानवर है फर्क करना नहीं जानते कहकर जानवर और मनुष्य में क्या अंतर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि सुदामा के किस दीन दशा के बारे में संकेत करता है, अथवा कवि ने मथुरा को काजर की रेखा क्यों कहा है। दोनों में से आपको कोई ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बस का इंजन किसी अफसर के दिमाग के तरह गर्म हो गया था, इसका क्या अर्थ है। अथवा में दिया गया है, सुमित्र के चरित्र की कोई पांच विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपादकीय और फीचर में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए, अथवा वन्य जीवों से लाभ विषय पर एक परियोजना तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आप देख सकते हैं हमारा पद्यांश दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इस प्रश्न पर इसको पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो जो ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं इसको, चार आंसर क्वेश्चन के आंसर जब आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपनी बहन के विवाह के लिए मित्र को पत्र लिखकर निमंत्रित कीजिए। अथवा में दिया गया है, अपने विद्यालय के प्रचार को अपनी पारिवारिक परिस्थिति बताते हुए शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख ले, मैंने पिछले वीडियो में ये सब वीडियो बना दी है। आप हमारे वीडियो पर जाकर, हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, समाचार पत्रों का महत्व, मेरे सपनों का भारत,
समग्र स्वच्छता अभियान, समय का सदुपयोग, जल संरक्षण। 12 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध की केवल रूपरेखा लिखिए। व्यायाम एवं स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, क्लास 10th हिंदी का सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इन सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।